कोरोना महामारी के चलते सोमवार से लॉकडाउन 3 लागू हो गया है। जोधपुर जिले में अभी तक लगातार कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जोधपुर अभी रेड जोन में है। इसके बावजूद सोमवार को सवेरे 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शेरगढ़ कस्बे के बाजार में आम तौर पर सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि खुल गए हैं, जहां खरीदारी के लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। वहीं SBI बैंक की प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 500 रुपये की दूसरी किस्त पाने के लिए महिलाओं आदि की भीड़ लगी हुई थी, जहाँ लगी लंबी कतार में सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा था, जिसे उन्हें कोरोना संक्रमण होने का अंदेशा बना हुआ है। बोरंदा कस्बे में सोमवार देर शाम को बारिश व तेज अंधड़ से कच्चे घरों पर रखे टिन सेट व पेड़ धराशे हो गए। शुकाराम व रामपाल ओड ने बताया कि बोरंदा घाटी क्षेत्र में सोमवार देर शाम को अचानक आए तेज अंधड़ बारिश ने अपने घरों पर लगे टिन सेट करीब 500 फीट की दूरी पर उड़कर चले गए, जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। वह अचानक पास ही खड़े पेड़ भी धराशे हो गए। अचानक आए बावंडर सभी लोग घबरा गए और तुरंत जान बचाने को लेकर ट्रैक्टर की ट्रोली के नीचे घुस गए। वहीं बिजलीघर के पास भी बड़े बड़े पेड़ मुख्य रास्ते पर गिरने से कई डांडियों की आवागमन बाधित हो गया। कोरोना की जंग में जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर के कार्मिक लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वहीं लग्न से शिकायतों का निवारण भी कर रहे हैं। 23 मार्च से अब तक कुल 46,445 शिकायतों का तय सीमा में समाधान भी किया जा चुका है। जोधपुर के कोरोना की जंग में डिस्कॉम कॉल सेंटर के कार्मिक 3 शिफ्ट में मेहनत व लगन के साथ आने वाली शिकायतों का निवारण कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अधीक्षण अभियंता ITRN विष्णु ने बताया कि जोधपुर के न्यू पौरोस परिसर में स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर में 3 शिफ्ट में करीब 70 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कॉल सेंटर के मैनेजर वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 23 मार्च से अब तक 46,645 विद्युत शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका तय सीमा में समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि जिला वर से 3,997, सिरोही से 824, जैसलमेर से 1,493, बाड़मेर से 6,629, पाली से 4,911, हनुमानगढ़ से 1,942, श्रीगंगानगर से 3,310, जालौर से 1,353, चूरू से 1,934, जोधपुर शहर 19,090 विद्युत संबंधी शिकायतों का 2 मई तक निवारण किया गया। एम्बुलेंस और कार के बीच हुई टक्कर, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है जोधपुर में डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के सामने कार और एम्बुलेंस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चला रही महिला को चोट भी आई। महिला को पास ही स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा दूर दराज के ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच के लिए मोबाइल मेडिकल वैन शुरू की गई। ब्लॉक मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि आज वैन के माध्यम से मेडिकल टीम द्वारा जगरे गांव में शिविर आयोजित करवाया गया, जहाँ शिविर में डॉक्टर राम मीणा, मेलनर सुनील विश्नोई, फार्मासिस्ट हेमंत सोनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीरा की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 47 ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जाँच की तथा उन्हें आवश्यक दवाएं भी वितरित की। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज की COVID-19 बचाव के तहत सूचनाओं के संकलन व रिपोर्टिंग लिए स्थापित कोविड कंट्रोल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर GL मीणा ने बताया कि इस कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अफजल हकीम हैं। 28 चिकित्सक 3 पारियों में 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जो आने वाले रिपोर्ट की जाँच व सूचनाओं को आगे संबंधित को भिजवाने का कार्य करते हैं। कोरोना के संबंध में माइक्रोबायोलॉजी लैब से जो सैंपल रिपोर्ट MDM जैसलमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर की आती हैं, उसे अस्पताल, जिला प्रशासन, राज्य स्तर पर दिल्ली ICR को भेजी जाती हैं। सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की छूट क्या दी। जोधपुर शहर में शराबियों का हुजूम शराब की दुकानों पर उमड़ पड़ा। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को भीड़ को खदेड़ना पड़ा। बिगड़ते हालात देख प्रशासन को ठेके की बंद कराने पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सर्किट हाउस रोड का बताया जा रहा है। जोधपुर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन शराब के शौकीन लोगों को ना तो अपनी जान की परवाह है, ना ही कोरोना डर है। उन्हें तो बस जैसे तैसे बोतल का जुगाड़ करना है। शहरवासियों की ये मूर्खता सबके लिए भारी नुकसान साबित हो सकती है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जोधपुर की ओर से निरंतर कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शुरभी ओपन रेंजर टीम की रेंजर प्रगति
उदानी द्वारा पोस्टर चिपकाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। रेंजर प्रगति उदानी ने अपने हाथों से स्केच बनाकर पोस्टर तैयार किए हैं, जिसमें बार बार हाथ धोने, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलना इत्यादि संदेश लिखकर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रेंजर नेहा शर्मा और प्रगति उदानी द्वारा प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के पोस्टर बनाकर दीवारों पर चिपकाए जा रहे हैं, ताकि आते जाते हुए लोग उन्हें पढ़कर सरकारी निर्देशों की पालना करने के लिए जागरूक हो सके। इसी प्रकार स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स के द्वारा लगातार मास्क बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान क्षेत्र की कई गांव व डाणियों में पेयजल की समस्या सामने आ रही है। क्षेत्र में बंद पड़े जेजेवाई के सभी नलकूप वरीयता से ठीक करवाकर ग्रामीणों को जल्द राहत दिलाई जाएगी। ये बात सोमवार को कस्बे के समिति कार्यालय के अधिकारियों की बैठक के दौरान लोहावट विधायक कृष्णा राम विष्णु ने कही। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर देश में चल रही महामारी के दौरान लॉकडाउन 3 में दी गई ढील से भी सभी दुकानों व ग्रामीणों की एक साथ भीड़ नहीं हो, इसके साथ विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि लॉकडाउन के कारण बैठक में अधिकारियों को भी बुलाया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंस व हाइजीन का भी विशेष ख्याल रखा गया। इस मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों की हिदायत देते हुए विष्णु ने कहा कि राज्य भर में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र शुरू हो गए हैं। इन खरीद केंद्रों पर आवश्यक तैयारियों की समय समय पर निरीक्षण किया जाकर सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। बोरना पुलिस थाना क्षेत्र के खवासपुरा गांव में कोविड-19 महामारी के तहत जारी सरकारी एडवाइजरी के तहत तृतीय लॉकडाउन के चलते करीब 14 दिन तक निशक्तजनों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था को लेकर घर में राम रसोड़ा खोला गया। खवासपुरा निवासी सुरेश चंद कोटारी हाल चेन्नई निवासी ने बताया कि सरकार की तृतीय लॉकडाउन की घोषणा की जारी सरकारी एडवाइजरी की अनुपालना करते हुए 4 मई से 17 मई तक निशक्त परिवारजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था को लेकर स्वयं के घर में ही राम रसोड़ा खोला गया है। सुबह व शाम यहाँ पर ऐसे परिवारजनों को भोजन बनाकर वितरित किया जाएगा। वही सोमवार को राम रसोड़ा की शुरुआत पिपार शहर SDM सितान सिंह, राजपुरोहित थानाधिकारी बाबूलारणा, ग्राम विकास अधिकारी गिरिराज वैष्णव, पटवारी परसराम ताडा, खांगटा के पूर्व सरपंच उमेश खोजा सहित विभिन्न गणमान्य लोगों ने जैन संत मिश्रीमल महाराजा की तस्वीर पोस्ट पर अर्पित करते हुए राम रसोड़ा की शुरुआत की।